हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपन बॉक्स डिलीवरी, जो कि आपको फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करता है जब भी आप कोई ऑर्डर करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसका सारा डिटेल आपको वन बाय वन करके बताने वाला हूं। तो चलिए अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए, ओपन बॉक्स डिलीवरी जो सर्विस है उसका मोटो क्या है वो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। देखिए, ओपन बॉक्स डिलीवरी अगर आप ऑर्डर करते हैं तो इसमें आपको एक स्पेशल फैसिलिटी दिया जाता है। इसमें आप चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट को कि कहीं मेरा प्रोडक्ट डैमेज तो नहीं है, कहीं मेरा जो एसेसरीज है वो मिसिंग तो नहीं है। आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को कि कहीं पर डेंट तो नहीं है, कहीं पर टूटा तो नहीं है। इस तरीका से आप अपने प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट होता है दोस्तों, ये थोड़ा लार्ज आइटम होता है, लाइक माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न। ये कुछ ही कुछ प्रोडक्ट में आपको दिया जाता है जो कि कंपनी डिसाइड करता है। कंपनी ये डिसाइड करता है कि कौन से प्रोडक्ट में और कौन से एरिया में और कौन से कस्टमर को ओपन बॉक्स डिलीवरी दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब चलिए मैं आपको इसका प्रोसेस बताता हूँ कि आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी कैसे आपको ऑर्डर करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक प्रोडक्ट को चॉइस कर लेना है। जैसे कि मेरे को लेना है टेलीविज़न, तो जैसे आप टेलीविज़न को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ये चेकआउट पेज में जाएगा। तो जैसे ये चेकआउट पेज में जाएगा उसके बाद आप वहाँ पे मेंशन रहेगा कि अगर आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी दिया जा रहा है तो वहाँ पे ओपन बॉक्स डिलीवरी अवेलेबल आपको मिल जाएगा देखने को, अगर उस प्रोडक्ट में होगा तो। और अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी अवेलेबल नहीं होगा तो वहाँ पे किसी भी टाइप का ओपन बॉक्स डिलीवरी इस टाइप का आपको लिखा हुआ मेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मेरे को ये प्रोडक्ट में ओपन बॉक्स डिलीवरी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो कंपनी डिसाइड करेगा, समझ रहे ना, कंपनी लोकेशन वाइज, कस्टमर वाइज, वो कंपनी के ऊपर रहता है डिसाइड करना। वो हमारे ऊपर नहीं है कि जैसे कि हम ये एक टेलीविज़न में आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी दिया जा रहा है और दूसरे टेलीविज़न में नहीं दिया जा रहा, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जिस भी प्रोडक्ट में ओपन बॉक्स डिलीवरी कंपनी के थ्रू दिया जा रहा है, कंपनी बोल रही है इसमें है, तो उसी में आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी मिला जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, जब ओपन बॉक्स डिलीवरी आपने ऑर्डर कर दिया, अब देखिए आप इसको ऑर्डर दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो प्रीपेड और एक कैश ऑन डिलीवरी। दोनों ही प्लेटफॉर्म में आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं और प्रीपेड, मतलब प्रीपेड यानी कि पहले से पेमेंट भी कर सकते हैं। दोनों ही केस में ये वैलिड है। अब ऑर्डर करने के बाद, जैसे ही आप इसको ऑर्डर करेंगे, उसके बाद जिस दिन ये आपको आपके घर में डिलीवरी होने वाला रहेगा उसके कुछ घंटा पहले आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में। जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला होगा उस रजिस्टर्ड मोबाइल में आपको ओटीपी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको ऑर्डर पेज में आपको ओटीपी भी शो हो जाएगा। जो भी आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है उस ओटीपी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऑर्डर पेज में। अब ये सब होने के बाद जब आपको वो डिलीवर देने आएगा, कौन देने आएगा, जो भी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है वो आपको आपका प्रोडक्ट डिलीवरी करने आपके घर पास आएगा। अगर आपका प्रीपेड है तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका कैश ऑन डिलीवरी है तो सबसे पहले आपको पैसा देना पड़ेगा उनको। पैसा देने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर का, जो भी जिससे आपने ऑर्डर प्लेस किया है, उसका लास्ट 4 डिजिट उनको बताना पड़ेगा। वो बताने के बाद आपका ओपन बॉक्स डिलीवरी जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूटिव होना चालू हो जाएगा। देन उसके बाद आपको वो प्रोडक्ट को ओपन करके दिखाएगा, आपको अच्छे से चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है वो प्रोडक्ट को। और मेरी माने तो अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो थोड़ा सा आपको एक बोर्ड ले लेना है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड आपको अपने घर में रखना है और उसको लगा कर वहीं पर चेक भी कर लेना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो उसी टाइम वेरीफाई कर लेना है कि कोई भी सामान मिसिंग तो नहीं है, कहीं पे डेंट तो नहीं है, कहीं पे कुछ टूटा उटा तो नहीं है। ये सारा कुछ आपको अच्छे से चेक कर लेना है। अगर वो प्रोडक्ट सही होता है तो आपको फिर आपको ओटीपी बताना है, जो भी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर में आया है वो ओटीपी शेयर कर देना है, आपको प्रोडक्ट ले लेना है और टाटा बाय बाय बोल देना है आपको डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट डैमेज निकल जाता है या मिसिंग रहता है कोई प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट ही मिसिंग रहता है या टूटा उटा रहता है, तब आपको क्या करना है, तब आपको बोल देना है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, मैं इसको नहीं लेता। तब डिलीवरी एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, वो उसको रिटर्न कर देगा।
और अगर आपका प्रीपेड मेथड से अगर आपने पेमेंट किया है तो आपका जो पैसा है वो एक या दो दिन में रिफंड हो जाएगा आपको या रिप्लेस हो जाएगा। जो भी मतलब सेलर रहेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उसके पास प्रोडक्ट होगा तो रिप्लेसमेंट कर देगा या आपको रिटर्न करके आपको दूसरा ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा फिर से। और दोस्तों अगर आपने इसको कैश ऑन डिलीवरी मोड में इसका पेमेंट किया होगा तो आपको वो उसी टाइम आपको रिटर्न दे दिया जाएगा। जब आप प्रोडक्ट को रिजेक्ट करेंगे तो उसी टाइम डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के तरफ से आपको जितना भी पैसा आपने दिया है उतना पैसा आपको तुरंत उसी टाइम आपको पैसा ले लेना है। और अगर आपने इसको प्रीपेड ऑर्डर में किया होगा तो प्रीपेड में आपको 2 से 3 दिन का समय लग जाता है, लेकिन ये आपको तुरंत आपको उसी दिन आपको ये पैसा मिल जाता है, डिपेंडिंग करता है बैंक टू बैंक। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही था। बताइएगा जरूर कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। मैंने आपको इसमें ऑर्डर कैसे करना है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी प्रोडक्ट ये है कि ये है, सारा कुछ आपको आज के वीडियो में बता दिया हूं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।